हाय एवरीवन आज मैं लेकर आई हूँ बॉबी ब्राउन की फाउंडेशन इसमें काफी ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं जो कि आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएंगे ये फाउंडेशन आपके पोर्स को क्लोज नहीं करता एंड ये वेटलेस फाउंडेशन है ये फाउंडेशन मैटी फिनिश देता है ये स्वेट एंड ह्यूमिडिटी को रोकता है ये ऑयल को कंट्रोल करता है एंड शाइन भी नहीं आने देता ये फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए एंड समर्स के लिए बेस्ट है ये स्किन को फ्लैक्सीबल एंड क्रिस्पी बनाता है इसका बड़ा पैक आपको 4300 में मिल जाएगा एंड छोटा साइज 1990 में मिल जाएगा ये ब्राइडल मेकअप के लिए और वियर के लिए परफेक्ट है ये लिक्विड टाइप की फाउंडेशन है एंड नेचुरल फिनिश देती है ये मीडियम टू फुल कवरेज देती है एंड नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप पर जाएगी इस फाउंडेशन में आपको एस पी एफ फिफ्टीन भी मिल रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा शेड्स आते हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप अपना अंडरटोन चेक कर लें कि आप वार्म में आते हैं कूल cool में आते हैं या फिर न्यूट्रल में आते हैं वार्म स्किन टोन वालों की थोड़ी सी स्किन येलो एंड गोल्डन में होती है कूल cool वालों की पिंक एंड ब्लीज में होती है एंड न्यूट्रल वालों की येलो एंड पिंक मिक्स होती है तो अगर आपका स्किन टोन फेयर एंड पिंक टोन में है तो आप ले सकते हैं कूल इवोरी शेड ईवोरी एंड अगर आप ज़्यादा फेयर में हैं तो आप ले सकते हैं एल्बेस्ट्र अगर आपका स्किन टोन फेयर प्लस न्यूट्रल है तो आप ले सकते हैं पोर्सलिन एंड न्यूट्रल पोर्सलिन अगर आप फेयर प्लस येलो में आते हैं तो आप ले सकते हैं वार्म पोर्सलिन अगर आप लाइट टू पिंक में आते हैं तो आप ले सकते हैं कूल सैंड एंड कूल बीज शेड अगर आप लाइट टू येलो शेड में आते हैं तो आप ले सकते हैं वार्म इवोरी एंड वार्म सैंड। अगर आपका अंडरटोन लाइट प्लस न्यूट्रल है तो आप ले सकते हैं सैंड बीज एंड न्यूट्रल सैंड अगर आप मीडियम प्लस पिंक टोन में आते हैं तो आप ले सकते हैं कूल cool, नेचुरल अगर आप मीडियम प्लस येलो टोन में आते हैं तो आप ले सकते हैं वाम बीज गोल्डन नेचुरल एंड गोल्डन बीच अगर आप मीडियम प्लस न्यूट्रल अंडरटोन में आते हैं तो आप ले सकते हैं नेचुरल वार्म नेचुरल एंड नेचुरल टैन अगर आप मीडियम डार्क प्लस पिंक में आते हैं तो आप ले सकते हैं कूल हनी शेड अगर आप मीडियम डार्क प्लस येलो में आते हैं तो आप ले सकते हैं हनी वाम हनी एंड गोल्डन हनी शेड अगर आप मीडियम डार्क प्लस न्यूट्रल में आते हैं तो आप ले सकते हैं न्यूट्रल हनी शेड अगर आप डार्क प्लस पिंक शेड के हैं तो आप ले सकते हैं कूल गोल्डन एलमंड एंड कूल एलमंड शेड अगर आप डार्क प्लस येलो टोन के हैं तो आप ले सकते हैं गोल्डन वाम गोल्डन वाम आलमंड एंड गोल्डन आलमंड शेड अगर आप डार्क प्लस न्यूट्रल अंडर टोन के हैं तो आप ले सकते हैं न्यूट्रल गोल्डन एंड न्यूट्रल आलमंड अगर आप डीप प्लस पिंक अंडरटोन के हैं तो आप ले सकते हैं वालनट कूल वॉलनट, कूल एस्प्रेसो एंड कूल चेस्टनट अगर आप डीप प्लस येलो अंडरटोन में आते हैं तो आप ले सकते हैं वाम वॉलनट चेस्ट अगर आप डीप प्लस न्यूट्रल अंडरटोन में आते हैं तो आप ले सकते हैं न्यूट्रल चेस्ट एस्प्रेसो एंड न्यूट्रल वालनच तो ये थे बॉबी ब्राउन के सभी शेड्स उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें